हेलो ब्रिवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल कंपीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूँ। आज लेखपाल रिजल्ट को लेके न्यूज़पेपर में कुछ छपी हुई है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती का जो परीक्षा है उसका जो परिणाम है ये सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही घोषित होगा। तो ये न्यूज़पेपर की खबर कितनी सही है, तो मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था। आप देख सकते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई थी कि क्या लखनऊ केस के बाद आएगा रिजल्ट। वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में आपको क्लियर किया हुआ था कि क्या बातें हुई थी कल आयोग में, क्योंकि कुछ बच्चे आपके आयोग गए हुए थे, उनसे सचिव जी की बातें हुई, तो मैंने यहाँ आपको यहाँ डिटेल में बताया हुआ था। और अभी आज फिर से कुछ बच्चे आयोग जाने वाले हैं इस न्यूज़ की सच्चाई को देखने के लिए कि कितनी सही है। कल सचिव जी ने ऐसा बोल दिया था एक बार कि लखनऊ जो की जो याचिका है उसके खत्म होने के बाद ही आपका परिणाम आएगा। हालांकि उन्होंने बाद में मेंशन किया कि आपका 20 से 25 दिन में आपका जो रिजल्ट है ये पब्लिश हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर में आजकल कुछ भी छप जाता है, ये तो आप मानते होंगे क्योंकि आपने कई सारी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी न्यूज़पेपर में जो कि फेक ही छपता है। वो पेट का जो रिजल्ट है उसको जारी करने का जो सोचा रही हो, या फिर आपका जो यूपी में कॉन्स्टेबल्स की वैकेंसी आने वाली है उसकी बात हो, ये हर रोज़ कोई ना कोई वैकेंसी लाते रहते हैं। और एक और न्यूज अभी हाल ही में वायरल हुआ था कि 7,000 प्लस पोस्ट आएंगी आपकी मार्च में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, चांसेस यही है कि 5,000 एक साथ आ जाए। एक साथ 7,000 की कोई वैकेंसी सामने नहीं है। और जो बातें हो रही थी कि 5,000 प्लस 2,000 कुछ वैकेंसी एड करके आएंगी, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कमी है। मैंने इसको कमेटी पोस्ट के माध्यम से कल आपको बताया था। तो आज जो न्यूज़ है हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पर और डिस्कशन करेंगे। आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है और हमारी न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी है आप इसको दे सकते हैं कि बाद में प्रमाणित भी होती है। हमने जो भी आज तक न्यूज़ दी, बच्चे आयोग गए इसके बारे में मैंने बताया, और 20 तारीख को भी गए थे इसके बारे में बताया, सारी न्यूज़ें बाद में सही हुई, न्यूज़पेपर में आई और कुछ बड़े यूट्यूबर्स भी उसको फॉलो किए और बताए वहाँ पर। तो आप लोग दे सकते हैं कि हमारी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल सही होती है। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से केवल 11-12% बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेल, आज की जो न्यूज़ है आप यहाँ देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही है, याचिकाओं के निस्तारण बाद ही जारी होगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट में आपका जो चल रहा है, तो यहाँ पे तीन केस थे, ठीक है, जिसमें तीन तीन केस मर्ज हुए थे, तो टोटल 9 याचिकाएं थी आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे मैं पढ़ता हूँ। कुछ सवालों के उत्तर को लेकर लगभग 9 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, इसमें से 3 का निस्तारण हो चुका है, ठीक है, और 3 निरस्त हो चुकी है। तो 3 का निस्तारण हो चुका है और 3 निरस्त हो चुकी है, अब 3 बची हुई है। ठीक है, अभी 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में चल रही है, आयोग द्वारा परिणाम जारी तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा सचिव जी ने भी कहा था कि 3 अभी आपकी है कोर्ट में और रिजल्ट जो है आपका वो तैयार है, जैसे ही आपका केस खत्म होगा उसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे भी कहा था कि परिणाम डिले होने का जो कारण है वो बच्चे ही है, स्टूडेंट्स ही है, हम नहीं है, कोर्ट आप लगाते हैं। ठीक है, और यह बात सत्य है, किंतु इसे हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के कारण रोका गया है, इन पर अंतिम रूप से निर्णय आने के बाद ही आयोग परिणाम जारी करेगा। तो न्यूज़पेपर में तो यही लिखा हुआ है कि परिणाम जो है आपका ये याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही होगा। ये बातें सही भी हो सकती हैं, हालांकि इसको वेरीफाई मैं नहीं करूंगा। अभी आयोग में जो बच्चे जाएंगे उनसे क्या बातें होती हैं उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि मार्च में ही आपका जो रिजल्ट है ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि अब आयोग के पास कुछ ज़्यादा पुराने रिजल्ट्स नहीं बचे हुए हैं। बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, फिर आपका लेखपाल पे ही वर्क होगा। और लेखपाल का जो एक काम बोला जा रहा है कि परिणाम तैयार हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग ने जिस तरह से कहा हुआ था कि कोर्ट ने जिस तरह से कहा हुआ है कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पे जो है डी वाले ऑप्शन वालों को मार्क्स दिया जाए, ये ऐसा ये काम किया नहीं गया है। तो अभी इसमें डिले है आपका, ठीक है, तो इस पर अभी काम होना बाकी है। और अभी जो कोर्ट केस फंसा हुआ है वो 7 क्वेश्चन का फंसा हुआ है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं और जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वे ये है आपके, एक है आपका NS2 वाला, ठीक है, और एक है आपका ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये हिंदी का है, ठीक है, अरुण वाला, ठीक है, और एक है हरिमोहन को रिप्लाई देता है। तो ये 4 क्वेश्चन है
और आशान्वित रहिए आप लोग कि ये कोर्ट केस भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। हालांकि मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि पिछले 4 सुनवाई से इसको पास ओवर मिलता जा रहा है, अर्थात इसका नंबर नहीं आ रहा है। और कल जब बच्चे सचिव जी के पास गए थे तो सचिव जी ने भी कहा था कि आज उनकी मीटिंग है, ठीक है, आज उनकी मीटिंग थी जो वकील थे उनसे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जब पिछला जो आपका केस खत्म हुआ था उससे पहले भी आयोग में मीटिंग हुई थी वकीलों से, और उसके बाद 2 सुनवाई के अंदर आपका केस खत्म हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है कि याचिकाओं के निष्पादन के बाद ही परिणाम आएगा तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट केस भी अभी जल्दी खत्म होगा, नहीं तो आपका परिणाम में बहुत डिले होगा। और सचिव जी ने यह भी कहा हुआ था कि उनका ये उद्देश्य है कि वो यहाँ से रिटायर होने से पहले, अर्थात ये विभाग छोड़ने से पहले, वो चाहते हैं कि सभी पेंडिंग वैकेंसीज क्लियर हो जाए, और ये वैकेंसी बहुत बड़ी है तो इसको ज़रूर चाहेंगे खत्म करना। और इससे पहले भी एक न्यूज़ आई हुई थी अखबार में ही जिसमें लिखा हुआ था कि प्रदेश में मिलेंगे 85 लेखपाल और ये 3 माह के अंदर होगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में तो अलग अलग खबरें आती रहेंगी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही इसमें बहुत ही भ्रमित रहेंगे। तो वेल जो भी हो देखा जाएगा, और आज जो भी अपडेट आएगी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, थोड़ी सी कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कट ऑफ को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, हमने जो कट ऑफ बताई है कट ऑफ आपका वही रहने वाला है, और जो मैंने कट ऑफ बताई थी 79.5, ठीक है, प्लस माइनस 1, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। और इसका अगर रेंज लेंगे आप तो 78.5 से लेके 80, इसी के बीच में आपका जो है कट ऑफ रहने का अनुमान है। और ये कट ऑफ और ज़्यादा गिर सकता है, इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, वो है आपको बच्चों द्वारा DV स्किप करवाना। जी हाँ, बच्चों द्वारा अगर आप DV स्किप करवाते हैं तब आपका कट ऑफ जो है धड़ाम से बहुत ही नीचे गिरेगा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज इससे पहले आपकी क्लियर हो चुकी है, जिसमें आपका NTPC, ठीक है, UPSI का आपका 13 मार्च से शायद है, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो ये तो लाजमी है कि ये बच्चे अब शायद ही बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि भौकाल बनाने के लिए इसका DV करा लें, बाकी बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इसमें से आपका DV कराएं, बाकी बच्चे इसमें से DV स्किप करने वाले हैं। आप लोग का यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि आप लोग उनको बताएं कि सर DV मत कराइए, इससे क्या नुकसान होने वाला है। और आपका इसके बाद CGL की वैकेंसी है वो भी क्लियर हुई है, और इसके अतिरिक्त आपका JEE का वैकेंसी क्लियर हुआ है, लोअर PCS का क्लियर हुआ है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, अगर इसमें अच्छे से काम किया जाता है और बच्चों को बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि सर आप DV स्किप कीजिए, तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर DV स्किप हो सकता है। और DV अगर स्किप होगा तो आपका जो जल का कट ऑफ है वो 77.5 से लेके 78 के बीच में भी लैंड कर सकता है। तो यहाँ पे आपका दायित्व है कि आप ज़्यादातर प्रचार करें, जहाँ हो सके वहाँ पे आप ही बताएं कि बच्चे DV स्किप करें, ठीक है, इससे बहुत ही फायदा होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। वैसे भी जो भी बच्चे जिनका अन्य किसी वैकेंसी में क्लियर हुआ है, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग DV स्किप कीजिए। और लेखपाल में अब उतना भौकाल नहीं रहा जितना पहले था, तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप ज़्यादा यहाँ पे कमाई हो जाएगी या फिर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। जी हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलना यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा और आपके ज़िले में आई वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके मार्क्स 90 हो फिर भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट न मिले, क्योंकि आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली ना हो, आपके तहसील में जगह खाली ना हो। तो आप इन सब बातों को देखिएगा, और अगर किसी और वैकेंसी में सिलेक्ट है तो उसमें ही रहिएगा और लेखपाल का DV स्किप कीजिएगा, इससे किसी और लड़के का भविष्य उज्ज्वल होगा। चलिए इसी साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।